सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पास है ज़ेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से एक प्रीमियम गेमिंग माउस जिसका नाम है ज़ेब ट्रांसफॉर्मर एम, जिसको हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये जो हम लोग का प्रीमियम क्वालिटी का गेमिंग माउस आ रहा है ये सच में अच्छा है या नहीं अच्छा, आप लोग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, DPI आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग पास ज़ेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से ज़ेब ट्रांसफॉर्मर एम आ गया है जो कि है प्रीमियम गेमिंग माउस जिसको हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा डिटेल्स दिया गया है और पीछे में भी आप लोग देख सकते हैं सारा डिटेल्स दिया गया है। आप लोग 3200 DPI मिल जा रहा है, USB है और गोल्ड प्लेटेड USB आप लोग को मिल जा रहा है, LED लाइटिंग मिल जा रहा है, 6 बटन मिल रहा है, बहुत सारा आप लोगों को फीचर्स मिल रहा है जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स बाद में बात भी करेंगे। आप लोग प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है 549 रुपीज़, लेकिन हम लोग सिर्फ परचेस किए 399 रुपीज़ में। ये देखते हैं हम लोग अपना मेन प्रोडक्ट पे आ गए हैं जो कि हम लोग का एक माउस है जिसको हम लोग देखेंगे भी और इसमें आप लोग को लाइटिंग भी मिल रहा है, जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो लाइट जब जलेगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। यहाँ पे आप लोग ज़ेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग मिल गया, यहाँ पे भी आप लोग लाइट जलने वाला है और ये आप लोग रोलर है और यहाँ पे आप लोग 2 बटन मिल जा रहा है। नीचे में आप लोग देख सकते हैं मेटल फिनिश दिया गया है और साइड में आप लोग प्लास्टिक फिनिश है और यहाँ पे आप लोगों वोल्ट वगैरह कितना लगेगा और क्या सब लगेगा सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है और ये मेड इन चाइना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स आप लोगों को दिया गया है। ऊपर वाला जो क्लिक सब है, बटन सब है, उसमें रबराइज्ड फिनिश दिया गया है। ये DPI चेंज करने के लिए बटन है और ये रोलर है और यहाँ पे आप लोग 2 बटन मिल जा रहा है अप एंड डाउन करने के लिए, यहाँ पे 2 बटन है और आप लोग को DPI चेंज रोलर और 2 क्लिक बटन मिल जा रहा है, लेफ्ट एंड राइट क्लिक, टोटल 6 बटन है आप लोग का। तो इसी टाइप का आप लोग को मिल जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है देखने में और हम लोग इसको यूज़ भी करेंगे और देखेंगे कि हम लोग लाइटिंग वगैरह कैसा जल रहा है और DPI वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग वायर क्वालिटी के बारे में देख लेते हैं। वायर देख सकते हैं आप लोग को, तो आप लोगों को काफ़ी मजबूत लग रहा है देखने में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग केबल है, तो बढ़िया केबल भी मिल जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केबल का टेक्सचर सब, तो स्ट्रॉन्ग केबल आप लोग को मिल जा रहा है। आप लोग गोल्ड प्लेटेड में आप लोग को USB पॉइंट मिल जा रहा है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोल्ड प्लेटेड में है USB पॉइंट हो कुछ इस टाइप का। तो ये हम लोग एक्चुअल माउस पे आ गए हैं, ये देख सकते हैं हम लोग माउस। चाहो तो आपसे आप लोग लुक देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कैसे लाइटिंग वगैरह जल रहा है। इसका हम लोग वेट चेक कर ले तो ये देख सकते हैं 130 ग्राम का है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है और हम लोग लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और देख सकते हैं आप लोगों का लाइटिंग कैसे जल रहा है और जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं आप लोगों डिफरेंट लाइट जल रहा है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। रैंडमली लाइट सब चेंज होते रहते हैं तो आप लोग इसको किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो भी लाइट जलते रहते हैं वो आप लोग को काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये जो लाइट है रैंडमली चेंज होते रहते हैं और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे माउस को लेके यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे तरह से माउस काम कर रहा है और काफ़ी स्मूथली हम लोग काम कर पा रहे हैं। आप लोग चाहें तो DPI भी चेंज कर सकते हैं, जो DPI बटन है उसको यूज़ करके। तो आप लोग को जब भी ज़्यादा DPI यूज़ करना है तो DPI कर लीजिए और कम यूज़ करना है तो कम यूज़ कीजिए। इसका मैं एक डेमो यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो मैं DPI को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोग मेरा माउस पॉइंटर को फोकस कीजिए, मैं सेम एरिया में रोटेट कर रहा हूँ, ये छोटा हो रहा है सर्कल, थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा, तो मैं DPI चेंज कर रहा हूँ तो वो इफेक्ट दिख भी रहा है। और जब भी आप लोग DPI चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप लोग रेड लाइट इंडिकेट करता है जो कि आप लोगों को बताता है कि DPI जो चेंज किए हैं वो सेव हो गया है। तो ये देख सकते हैं रेड लाइट इस टाइप का आप लोग को इंडिकेट करेगा। तो ये देख सकते हैं जो भी आप लोग चेंज कर रहे हैं DPI वो सेव होते जा रहे हैं, जैसे सेव हो जाएगा तो ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। अब मैं इस माउस का कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोग को 7 कलर यानी 7 कलर का LED इफेक्ट मिल जाएगा, गोल्ड प्लेटेड USB मिल जाएगा, डेडिकेटेड बटन है DPI के लिए, डेडिकेटेड बटन है फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए,
इसका जो सेंसर है वो ऑप्टिकल है और पावर कंजप्शन जो लगता है वो डीसी 5 वोल्ट लगता है। इसमें आप लोग को एक साल का वारंटी भी मिल जाता है और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। उम्मीद करते हैं जो मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू और मैं स्पेसिफिकेशन अब बताया इस माउस के बारे में पसंद आ गया होगा। ये माउस काफ़ी कमाल का है, जहाँ पे आप लोग को 6 डिफरेंट बटन मिल जा रहा है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, फिर 7 आप लोग को डिफरेंट कलर मिल जा रहा है जिसको आप लोग यूज़ करके अच्छा से स्टाइल कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी वाइज भी तो काफ़ी सुंदर है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो सिर्फ 399 रुपीज़ के लिए काफ़ी कमाल का ये माउस आ जा रहा है, जिसमें आप लोग को लाइटिंग वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है, तो काफ़ी कमाल का ये माउस है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोग देखिएगा अमेजोन में आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो आप लोग एक काम कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप लोग देखिएगा कि यदि आउट ऑफ स्टॉक है तो आप लोग उसको बुक मार्क करके रख लीजिए। जब भी आप लोग ब्राउजर खोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 3-4 दिन में आते रात जाते रहता है, तो जब भी आता है तो बहुत जल्दी ही सेल आउट हो जाता है और मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ स्टॉक दिखाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार बुक मार्क कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद जब भी आप लोग ब्राउजर खोलते हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा, जब भी आप लोग मिल जाता है तब ऑर्डर कर सकते हैं। ओवरऑल 399 रुपये के लिए बहुत ही कमाल का ये गेमिंग माउस आ जा रहा है, जिसके अंदर आप लोग लाइटिंग वगैरह DPI चेंज करना सब कुछ आप लोगों को मिल जा रहा है, जो कि आप लोग गेम खेलने के लिए चाहिए। यदि आप लोग ये माउस लेना चाहते हैं तो मेरे तरफ से बिग थम्स अप है, आप लोग ले सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं, आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल भी कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फ्रेश शॉट में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके। तब तक के लिए याद रखिएगा, देख रिव्यू बिफोर यू बाय। तब तक के लिए गुड बाय।